हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ यूआरएल कनेक्शन क्लास। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव सीन हाउ वी कैन पार्स अ यूआरएल यूजिंग यूआरएल क्लास ऑफ जावा नेटवर्किंग पैकेज। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम एक यूआरएल पे अगर कोई फाइल है या कोई एप्लीकेशन है तो उसके लिए हम कनेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग यूआरएल कनेक्शन क्लास। सो बेसिकली यू आर एल कनेक्शन क्लास रिप्रेजेंट्स ए कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन यू आर एल एंड इट्स एप्लीकेशन। इट कैन बी यूज टू रीड राइट डेटा टू द स्पेसिफाइड रिसोर्स रेफर्ड बाय द यू आर एल। इसका क्या मतलब है कि अगर एक किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर कोई फाइल है और आप उस फाइल को अपने प्रोग्राम में रीड करना चाहते हैं तो आप यू आर एल कनेक्शन क्लास का यूज़ कर सकते हैं। So we will see how we can, in the example I will show you how to read a file which is present on certain URL. So to reading a file I have to use java.io package. So I have imported this package to read contents of file. Then java.net package is for connection. This is the URL and the main method. So first I have to get the specified URL in a object of URL class. So I will write like this, URL u1 is equals to new URL and the complete path of the file. Suppose the name of the file is a1.txt present on certain URL, like for example abc.com. abc.com पे एक a1.txt फाइल है जिसको मैं रीड करना चाहता हूँ, तो मैंने URL u1 के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर इसको रेफरेंस कर दिया। नाउ क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ URL कनेक्शन क्लास। URL कनेक्शन suppose u2 is equals to, now I have to open this connection with the object u1. So I will write u1.openConnection. By using this method I have established a connection between this particular resource a1.txt in my Java application. Now I can read the contents of this particular file using input stream or file reader, any of the class present in the IO package. So in this I am using input stream class. So create an object of input stream. Input stream is equals to, now you have to use u2.getInputStream. U2 से हमने क्या किया था, कनेक्शन ओपन किया और IS में हमने U2 का जो कनेक्शन था उसकी इनपुट स्ट्रीम को पास कर दिया। सो बेसिकली IS नाउ कंटेन्स द स्ट्रीम ऑफ दिस TXT फाइल। सो टू रीड द कंटेंट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर टाइप, देन वाइल I is equals to IS dot read system dot out dot println character I. You have to use all of this in the try catch, or you have to specify it throws exception here. या तो आपको इस सारे कोड को ट्राई कैच में लिखना है या फिर आपको यहाँ पे throws exception करना है। और ये वाला जो कोड है कि ये ascii वैल्यू रिटर्न करता है is.read एंड इट रिटर्न्स -1 दैट स्पेसिफाइड द एंड ऑफ द फाइल। दिस कंसेप्ट आई हैव डिस्कस इन द फाइल IO ट्यूटोरियल ऑफ जावा। यू कैन सी दैट वीडियो इफ यू आर नॉट क्लियर एट दिस मोमेंट। So this represents end of file.
इस तरह से आप किसी भी यूआरएल के ऊपर अगर कोई फाइल है तो उसको रीड कर सकते हैं अपनी जावा की एप्लीकेशन के अंदर। ट्राई दिस प्रोग्राम इन योर सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन जावा।